हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग खुद जानते हैं कि आजकल इंडियन मार्केट में भाई इतना ज़्यादा प्राइस हो गया है बाइक्स का कि बाइक खरीदना कोई आसान बात अब रही नहीं है। चाहे वो 150 सेगमेंट की बाइक हो, चाहे वो 200 सेगमेंट की सीसी की बाइक हो, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है इंडियन मार्केट में। और भाई एक मिडिल क्लास बंदे के लिए भाई खरीदना इस चीज़ को आसान बात नहीं है आज की जनरेशन में। अब आपको पता है दोस्तों, हमारी सैलरी या मिडिल क्लास बंदा इतना तो नहीं कमाता कि 200 सीसी और 250 बाइक को इजिली खरीद ले। उस बाइक को भी खरीदता तो बहुत मुश्किल से खरीदता है। और यही रीजन है कि हर ब्रांड 125 सेगमेंट में अब काम कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले KTM ने स्पोर्ट सेगमेंट में काम किया, उसके बाद बजाज ने पल्सर 125 निकाली, उसके बाद TVS ने राइडर 125 निकाली। तो कहीं ना कहीं हर जो ब्रांड है वो 125 सेगमेंट में काम कर रहा है। इसका रीजन भी है, देखिए जो 125 सेगमेंट की बाइक होती है इनमें माइलेज भी काफी ज्यादा होता है। और आपको पता है कि पेट्रोल का प्राइस बहुत ज्यादा है, तो पहला एडवांटेज माइलेज हो जाता है। दूसरा एडवांटेज ये हो जाता है कि स्मॉल सीसी इंजन यूज किया जाता है तो बाइक का जो प्राइस है वो भी काफी डाउन हो जाता है, काफी फर्क पड़ता है। इसका तीसरा एडवांटेज ये होता है दोस्तों कि ये बाइक काफी मेंटेनेंस फ्रेंडली होती है, मेंटेनेंस जो होता है इनका काफी कम होता है। इसलिए हर ब्रांड 125 सेगमेंट में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में भी हम एक बहुत ही अच्छी अपकमिंग 125 सीसी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं। जो टाइटल तो आप लोग पढ़ ही लियो दोस्तों, वह है हमारी सबसे प्यारी नई वाली MT125 इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है। तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं MT125 के डिजाइन के बारे में। उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि यामा की तरफ से फिलहाल कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, वरना आप बाद में बोलते कि भाई फेक वीडियो है या जो भी आप बोलते। पहले आपको क्लियर कर दूं, यामा की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है। जितनी भी मैंने चीजें लेकर आई है भाई, वो ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर आई है, ठीक है। और भी बहुत सारी ऑटोमोबाइल वेबसाइट है जो आपकी आप चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम में, ऐसे इंस्टाग्राम में भी प्लस आपको मिल जाएंगे, वेबसाइट में गूगल में मिल जाते हैं। देखिए MT125 का जो डिजाइन होने वाला है वो एज इट इज आप लोगों को MT15 की तरह देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि MT15 यहाँ पे खड़ी कर दी गई है स्मॉल सीसी के इंजन के साथ में। डिजाइन आपको पूरी तरीके से सेम देखने को मिल रहा है, चाहे आप रियर की बात कर लो, चाहे आप फ्रंट की बात कर लो, चाहे आप साइड की बात कर लो, सारी चीज आपको सेम मिलेगी। इवन आपको बाइक में मिरर भी सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन जो फर्क है वो आपको इंजन में मिलेगा। दोस्तों MT125 में आपको 124 सीसी का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SOSC इंजन जो है इस बाइक में यूज किया जाएगा। मैक्सिमम पावर में अराउंड 14.7 के आसपास का PS पावर होने वाला है, जो कि 10,000 RPM पे पावर जनरेट करेगा। एंड मैक्सिमम टॉर्क में 11.5 के न्यूटन मीटर का टॉर्क रहेगा, जो कि 8,000 RPM पे पावर जनरेट करेगा। मतलब पावर एंड जो टॉर्क है वो आपको बाइक में बहुत ही बेहतर देखने को मिलने वाला है। 124 सीसी का इंजन रहेगा। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, कूलिंग सिस्टम में KTM की 125 बाइक के बाद ये दूसरी ऐसी बाइक होगी जिसमें आपको लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा। साथ में नंबर ऑफ 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में ये बाइक आएगी, और हो सकता है कि यामा इस बाइक में स्लीपर क्लच भी दे दे, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज आपको इस बाइक में मिलने वाला है। तो दोस्तों ये तो बाइक का इंजन हो गया। जैसे आप लोगों ने देखा कि जो पावर है वो कम है, तो ऑब्वियस ये बात है माइलेज काफी ज्यादा निकालेगी ये बाइक। अराउंड 45-50 के आसपास का जो माइलेज है हमें निकाल कर दे देगी, मतलब काफी मेंटेनेंस फ्री बाइक हो जाएगी हमारे लिए। और अगर बात करें परफॉर्मेंस में, तो परफॉर्मेंस अराउंड टॉप स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर के आसपास की, एंड 0-100 में इस बाइक को अराउंड 14-15 सेकेंड के आसपास के लगेंगे। अब दोस्तों बाइक के फ्रंट में आते हैं। सबसे पहले फ्रंट लाइट के बारे में बात करें, तो सेम MT15 की तरह लाइट देखने को मिलेगी, छोटी छोटी DRL लाइट देखने को मिलेगी LED वाली। साथ में आपको बाइक में सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलेगी, ये सेम वही LED प्रोजेक्टर लाइट होगी जो यामा अपनी R15 और MT15 में यूज करता है, तो ये भी एक बेहतरीन चीज आपको इसमें मिल रही है। टर्न सिंगल लैप भी LED मिलेंगे। सस्पेंशन में सेम सस्पेंशन मिलेंगे जो कि MT15 में मिलते हैं, 37mm के अपसाइड डाउन सस्पेंशन गोल्डन कलर। और ब्रेकिंग में दोस्तों इस बाइक में आपको सिंगल सरल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में फ्रंट में 282mm के आसपास की प्लेट साइज मिलेगी, और फ्रंट में लगभग 110/70 के आसपास के जो टायर है वो आप लोगों को बाइक में देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ये तो पूरी तरीके से सेम MT15 रहेगी। और अगर रियर में बात करें तो 220mm के आसपास की प्लेट साइज रहेगी, 140/70 के आसपास का टायर साइज रहेगा, और टेल लाइट भी आपको बाइक में LED देखने को मिलने वाली है। सीट के बारे में अगर बात करें तो सीट आपको वही स्मॉल सीट मिलेगी जो कि MT15 में देखने को मिलती है। आई नो
नो प्लियन सीट थोड़ी सी छोटी है, बट यार लुक उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। टैंक साइज आपको अराउंड 11 टू 12 लीटर के आसपास की देखने को मिलेगी। अगर बात कर ली दोस्तों स्पीडोमीटर एंड फीचर्स के बारे में, सेम वही डिजिटल मीटर आप लोगों को इस बाइक में देखने को मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा डिजिटल मीटर यहाँ पे यूज़ किया जाएगा यामा की तरफ से। और अगर फीचर्स के बारे में बात करें तो सारे फीचर्स आपको बाइक में देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्पीडोमीटर में आपको देखने को मिलेगा टेकोमीटर, आरपीएम मीटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, इंजन माल फंक्शन लाइट, साथ में मोबाइल कनेक्टिविटी भी आपको MT15 में MT125 में देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों बात आती है कि क्या यामा इस बाइक को इंडियन मार्केट में लाएगी, इसके चांसेस क्या है, तो उसके 110% चांसेस है कि यामा लाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई 125 सेगमेंट इंडियन मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। बात कर ले लॉन्च डेट एंड प्राइस के बारे में, देखिए फिलहाल ऑफिशियल लॉन्च डेट नहीं है, मैंने आपको क्लियर किया था, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये बाइक जो है मेरे हिसाब से कम 7 से 8 महीने लगेंगे अभी आने में। और प्राइस के बारे में बात करें तो अराउंड 120 से 150, 1,20,000 से 1,30,000 रुपये के आसपास की ये बाइक आपको एक्सरूम प्राइस देखने को मिल सकती है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।